सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ अलग करने वाले हैं। सो गाइस, अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल भी है उस ऑल पर जरूर सेट कर देना, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड और भी ज़्यादा ऐसे। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं डिमिट्री की एबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, वो मतलब कितनी HP जो है ये हमारी बढ़ाता है, ठीक है, कितनी HP बढ़ाता है और ये क्या करता है और ये कैसे काम करता है और रिवाइव करता है या नहीं करता है। सो गाइज, वो मैं आपको गेम में बताऊंगा, ठीक है। तो गाइज, वीडियो एकदम लास्ट तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइज, चलिए बताते हैं इसकी एबिलिटी क्या है। तो बहरहाल मैं आपको यहाँ से पहले पढ़कर बता देता हूँ। सो गाइज, क्रिएटर 3 माइंड फिल्म डिमेटर हीलिंग जोन, मतलब जैसे कि हमारा आलोक जो है मतलब हीलिंग जोन बनाता है, उसी तरीके से जो है बनाता है, ठीक है। इंसर्ट यूजर एलाइज रिकवर 3 HP, मतलब जो भी उसके अंदर रहेगा वो 3 HP अपनी रिकवर कर सकता है, ठीक है। फिर गाइज, जो भी बंदा डाउन होगा, जो यूजर उसके अंदर होगा, फिर वो अपने आप को मतलब रिवाइव कर सकता है खुद ही, ठीक है, अपने आप को रिवाइव कर सकता है 75 सेकंड तक, ठीक है। 75 सेकंड में जो है फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा, दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, इसकी एबिलिटी तो ये है, लेकिन ये नहीं पता यूज़ कैसे की जाती है। सो गाइज, आज मैं आपको यूज़ कर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो होती है तो मजे ज्यादा होने वाली है। चलिए गाइज, बढ़ते हैं गेम। सो गाइज, जैसे कि अभी देख सकते हो मेरे सामने एक बंदा आएगा, ठीक है। तो गाइज, अभी मैं दिखाने वाला हूँ इसकी HP कैसे काम करती है। तो गाइज, ध्यान से देखना गाइज, वो सामने वाला बंदा जो है वो मेरे को मतलब मारेगा, ठीक है, मेरे को नॉक करेगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मतलब ये कैसे रिकवर करेगा। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, थोड़ा सा डैमेज दिबा देते हैं, डैमेज थोड़ा सा। सो गाइस, थोड़ा सा डैमेज दे दिया। अब गाइस देखो, मैं इसे हील कर दिखाता हूँ कैसे हील करना है, ठीक है। सो गाइस, जैसे मैं इसकी एबिलिटी पर क्लिक करता हूँ तो देखो गाइस, ये HP बढ़ाने लग गया। अब गाइस, मैं आपको नॉक होकर दिखाता हूँ, नॉक हो गया। अब यहाँ रहा है सेल्फ रिकवर। अब गाइस, यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली रिवाइव हो चुका हूँ, मतलब भाई जोन भी आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल निकल जाते हैं पहले। सो गाइस, देख सकते हो जैसे कि मैंने खुद ही खुद अपने आप को रिवाइव कर लिया, ठीक है, अपने आप को मैंने ऑटोमेटिकली रिवाइव कर लिया। अब गाइस, आपको फिर से दिखाते हैं, ठीक है। सो गाइस, जैसे देख सकते हो हम दूसरे राउंड में आ चुके हैं, तो इस बार भी जो है मैं आपको इसकी एबिलिटी दिखाने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा डैमेज करवा लेते हैं बॉडी पे, ठीक है। तो गाइस, थोड़ा सा डैमेज करवा देते हैं। तो गाइस, जैसे कि डैमेज कर दिया, अब देखो गाइस, जैसे मैं इसकी एबिलिटी को ऑन करता हूँ तो ये HP जो है देख सकते हो, ये ऑरा जो है इन्हें बना लिया है। अब गाइस, जैसे आप बाहर जाओगे तो HP रिकवर नहीं करेगा इसके अंदर। अब नॉक करवा कर देखते हैं, ठीक है, अब नॉक करवा लेते। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो अब मैं इस राउंड में आ गया। अब मैं गाइस फिर से जो है थोड़ा सा डैमेज करवा लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डैमेज करवा लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने डैमेज करवा लिया है, अब गाइस जो है मैं इसकी एबिलिटी ऑन करूंगा तो देखो HP बढ़ा लिया। अब गाइस, अपने आपको डाउन करवाते हैं, ठीक है, वो अपने आपको डाउन करवाते हैं। गाइस, डाउन हो चुका है, अब यहाँ पर आ रहा है सेल्फ रिकवर। अब गाइस, जैसे मैं सेल्फ रिकवर करूंगा तो आपको जो है हिलना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो आप सेल्फ रिकवर नहीं हो पाओगे। और गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं हो चुका हूँ बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो ये थी गाइस हमारी इसकी एबिलिटी, ठीक है। अब गाइस, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। चलिए गाइस, सो गाइस, इस राउंड में मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अभी सो गाइस, पहले थोड़ा सा डैमेज करवा लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बॉडी डैमेज करवा लेते हैं। अब भाई, मतलब इसकी एबिलिटी चार्ज। सो गाइस, अब देखते हैं अब इसकी एबिलिटी। देखो गाइस, ये HP बढ़ा रहा है, अब नॉक होकर देखते हैं, ठीक है, फिर से नॉक होकर देखते हैं पूरा। तो गाइस, यहाँ से सेल्फ रिकवर जो है मतलब बहुत ज़्यादा देर में होता है, क्योंकि गाइस ये इतना भी अच्छा करेक्टर नहीं बनाया जाता गरेना की तरफ से जो कि आपको रिवाइव करे। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और भी करेक्टर की एबिलिटी देखनी है तो कमेंट जरूर करना।